हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी कैमरे की आईपी को कैसे चेंज करेंगे। जो कोई भी हमारे पास एक कैमरा है उसमें ऑलरेडी एक आईपी डली है, पर मुझे यहाँ पे जो सीरीज है आईपी का वो चेंज है, तो मुझे उस हिसाब से कैसे चेंज करना है इसको वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है और SADP नाम की एक टूल्स है उसको डाउनलोड कर लेना है। जब हम सिंपली SADP सर्च करेंगे, SADP टूल डाउनलोड सर्च करेंगे, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से हिकविजन का खुल के आएगा। ये हिकविजन द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर है, तो इसे डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। अब ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर ये जो सेटअप है उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। दोस्तों ये SADP का ये पॉपअप खुल के आएगा, इसको एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक बार और नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल थोड़ी देर में हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए SADP टूल खुल के आ गया। ये जो दोस्तों मेरे अभी फ़िलहाल जो नेटवर्क में एक दूसरा MVR है वो शो हो रहा था, तो अभी मुझे क्या करना है, इसका IP चेंज करना है। और आपको अपने कंप्यूटर से आपको कैमरे को लगा लेना है। जो भी कैमरे का कोई सीरीज आपको अगर पता हो तो वो आपको टाइप कर लेना है इसमें, और वही IP इसमें रहने देना है। और सिंपली जो आपके पीछे CPU में नेटवर्क RJ45 होता है उसमें आपको अपने कैमरे को कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कैमरा हमें शो होने लग गया कि इसकी IP क्या है। अब इसे चेंज करना है मुझे, तो इसका आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए IP एड्रेस साइड में लिख के आ रहा है, ये साइड में जो IP एड्रेस है, मैं इसे अपने यहाँ के IP की सीरीज में चेंज कर लूँगा। दोस्तों ये मैंने IP चेंज कर दिया ऊपर का। गेटवे भी आपको चेंज कर लेना है। गेटवे चेंज करने के बाद आपको नीचे पासवर्ड एंटर करना है। और पासवर्ड एंटर करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कई बार यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आएगा, कई बार लिख के आ जाता है, कई बार नहीं लिख के आता, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये मैंने IP जो यहाँ का सीरीज है मैं वापस कर देता हूँ। अपने यहाँ का सीरीज मैंने वापस कर लिया है चेंज। अब मैं इसको क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद दोस्तों SADP वापस खोल लेना है, ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए IP चेंज हुआ नज़र आ रहा है। अब आप इसको ब्राउज़र पे लॉगिन कर सकते हो कहीं भी। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि आप किसी भी कैमरे की IP कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।